नवादा नवादा ना एक हाँ। क्या है नवाद एक ना तो मोदी सरकार को हमने कह दे। जिलाबाई कह रही है कि मोदी सरकार को हम ये बताना चाहेंगे कि हम जमीन हमारी माँ है और उसके लिए हम लड़ रहे हैं, हम भूख से तड़प रहे हैं, हमारे यहाँ रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, हम लोग कहाँ कहाँ जाके रोजगार ढूंढ रहे हैं और सरकार हमको लूट रही है। तो हम उसको यही कहना चाहेंगे कि तू हमको हमारा हक दे, वरना हम अपना हक छीनना जानते हैं। मेरे पैरों में छाले पड़ गए, तब तक मैं चली, पैदल चली, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए चली और आगे भी ऐसे ही चलूंगी जब तक मुझे मेरा हक नहीं मिलेगा। अब वो आदिवासी लोग है महाराष्ट्र के सातपुड़ा इलाके में जो नंदुरबार जिला है, तो उस जिले में अक्कलकुआ एक बहुत ही रिमोट ब्लॉक है जो बेरोजगारी के लिए, माइग्रेशन के लिए, माल न्यूट्रिशन के लिए जाना जाता है। उस जिले के बहुत ही रिमोट गांव है एक भराड़ी पादर, वहां से ये जिलाबाई 90 साल की ये औरत है जो यहाँ इस आंदोलन में ये सोचकर आई है कि जिस तरह से मोदी सरकार ने हमारे खिलाफ खेती किसान करने वाले किसान जो लोग हैं, खेती करने वाले जो है उनके खिलाफ जो कायदा बनाया है, तो उसको विरोध करने के लिए हम आए हैं। हमको शर्म आती है यहाँ पे आते हुए कि हमारे लिए हमारी शासन किस तरह से सोचती है, हमारे हित के बारे में ना सोचते हुए वो गिने चुने लोगों के हित के बारे में सोच रही है। और हम लोग यहाँ बम्बई तक भी हम लोग पैदल चल के गए, हमारी हक के लिए लड़ाई हम लोग इतने सालों से लड़ रहे हैं और फिर भी हम हारेंगे नहीं। जितना भी सरकार हमको तकलीफ देगी या देना चाहेगी, हम उसका डटकर जवाब देंगे। और हम यहाँ 10 दिन रहने वाले हैं और अपनी हक की बात मोदी सरकार तक पहुँचाने वाले हैं, ऐसा जिलाबाई ने कहा। ये जो टेंट है, पिछले 15 तारीख से हम इस टेंट में रह रहे हैं। यहाँ बिछाने के लिए, सर्द से बचने के लिए, ओढ़ने के लिए कुछ कपड़े हैं, खाने के लिए भी भरपूर व्यवस्था है। चाहे जो भी हो, हम लोग यहाँ खुश है क्योंकि हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो हमें ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ सर्दी हो या ठंड हो या बाकी कोई भी ये हो, हम हंसते हंसते यहाँ पर रह रहे हैं और हमको पता है अपने हक की लड़ाई है तो अपने हक के लिए कुछ ना कुछ तो सहन करना ही पड़ता है। तो जब तक भी हमको यहाँ रहना पड़े और लड़ना पड़े तो हम पूरे तैयार हैं आगे तक की ये लड़ाई लड़ने के लिए। ठंड जरूर है, सर्दी जरूर है, बहुत ठंड हवा भी चलती है, लेकिन हमें कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि हम ओढ़ते हैं और हमारे गांव में भी ऐसी ही ठंड रहती है तो हमको पता है। और हम तो नंगे पैर चले हैं तो पैरों में छाले पड़ने तक, तो इस ठंड का मतलब तकलीफ का तो कोई मतलब ही नहीं है। हम खुश है और हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जंगले या पो बहा को हाये पावो जमीने या पो या के हाय जंगले या पो बहा को हाये पावो जमीने या पो या के हाय। भला भाई मोदी पे बहुत गुस्सा है और वह कह रही है कि मेरे बाप ने और उसके बाप ने कभी दिल्ली नहीं देखी, लेकिन मुझे इस 90 साल की उम्र में दिल्ली को देखना पड़ रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है मोदी सरकार पे कि वो किस तरह का इंसान है कि जो जनहित के बारे में ना सोचते हुए कुछ गिने चुने अंबानी अडानी जैसे लोगों के बारे में सोच रहा है। उनके घर में उनका पति उनके जैसा ही डाया है, डाया बोलते हैं उनको यहाँ, और उसका एक बेटा है, तो अभी वो घर पे उनकी जो भी खेती है वो संभाल रहे हैं और ये आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए यहाँ आई है।
मिथिलाबाई लोक संघर्ष मोर्चा में सबसे लिए हमारे यहाँ माँ को मतलब इनके भाषा में याहू बोलते हैं, तो जिला ये सबके लिए जिला याहू है, सबके लिए एक प्रेरणा है। और वो जिस तरह से लड़ रही है, जिस तरह से वो संघर्ष कर रही है, तो उसका संघर्ष देखते हुए लोक संघर्ष मोर्चा में ये सब महिलाएं प्रेरित होकर उठ खड़ी हुई है। इनको आगे आने के लिए किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये स्वयं ही खुद इस तरह से प्रेरित है और अपने हक के लड़ाई लड़ने के लिए वो इतनी प्रभावित है कि उनके पैरों में छाले पड़े या इनको खाने के लिए रोटी मिले या ओढ़ने के लिए कपड़ा मिले या ना मिले, हर एक मौसम में और हर एक माहौल में वो इस तरह से ढल गई है अपने अधिकार पाने के लिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए।